क्वेश्चन नंबर 16, 1 अगस्त 2000 सुनील सोल्ड गुड्स टू अनिल, सुनील अनिल को माल बेचा 6000 रुपए का, सुनील ड्रॉ अ बिल पेबल आफ्टर 4 मंथ, ठीक है, तथा भुगतान में 4 महीने वाला अवधि का विपत्र स्वीकृति प्राप्त की, ठीक है, सुनील क्या कर रहा है, सुनील अनिल को बेचा और इसे स्वीकृति प्राप्त कर लिया 4 महीने का, कब से लिया है 1 अगस्त को, और 4 महीने का बिल उसको साइन करके दे दिया, ठीक है, पेमेंट कब मिलने वाला है, 1 अगस्त से 4 महीना, इधर देखो इधर 1 अगस्त से 4 महीना होता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 दिन दौड़ोगे तो आपको 4 दिसंबर को पैसा मिलने वाला था, 4 दिसंबर को पैसा मिलने वाला था, लेकिन पैसा कब मिल गया, 1 सितंबर को ही क्या किया वो, 1 सितंबर को ही 9% एनुअल डिस्काउंट पे वो क्या करा दिया, पेमेंट कर दिया, पेमेंट कब करा दिया वो, 1 सितंबर को, तो कितना महीने पहले पेमेंट हुआ है, 3 महीना पहले, बिल 4 महीने का था पर पेमेंट 3 महीने पहले किया है, कितना महीने पहले किया है, 3 महीना पहले, तो हमारा पेमेंट हुआ है 1 सितंबर को, और पेमेंट जो होने वाला था बिना बोले वो 4 दिसंबर को, तो कितने महीने पहले पेमेंट हुआ, 3 महीना पहले, कितना महीने पहले पेमेंट हो रहा है वो काउंट किया जाता है, 3 महीना पहले, तो 3 महीने का ट्रेड डिस्काउंट जो हमारा है डिस्काउंट वो निकलेगा, ठीक है, और पेमेंट कहाँ हो रहा है, आपस में हो रहा है, सुनील अनिल को पेमेंट कर रहा है, अनिल सुनील को पेमेंट कर रहा है, सुनील प्राप्त कर रहा है, लिखेंगे हम लोग जर्नल ऑफ सुनील, जर्नल ऑफ सुनील, ठीक है, यहाँ यहाँ जर्नल ऑफ अनिल, ठीक है, जर्नल ऑफ अनिल, ठीक है, पहले क्या था हमारा 2000 को 1 अगस्त को अनिल को बेचे हैं, तो अनिल डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट 6000 रुपए का, सुनील क्या लिखेगा, सुनील अपना नाम कभी लिखेगा, बोलेगा, बोलता है कि मैं अनिल को सेल कर रहा हूं, फिर उसके बाद क्या लिखेगा सुनील कि अनिल से मुझे बिल मिला, अनिल से बिल मिला तो बिल आ रहा है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल आ रहा है तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, देने वाला कौन है, अनिल टू अनिल, कितने रुपए का, तो हमारा ये दिया हुआ है 1 अगस्त को अनिल से बिल आया 6000 रुपए का, 6000 का बिल आ गया, इसको लिखते हैं हम लोग बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव, 1 अगस्त को हम लोग क्या किए, गुड सेल किए और बिल आ गया, ठीक है, उसके बाद 1 सितंबर को क्या कर रहा है, पेमेंट आ जा रहा है, पेमेंट कब आ रहा था, 4 दिसंबर का आ रहा था, पर 1 दिसंबर सॉरी 1 सितंबर को पेमेंट आ गया, ठीक है, 1 सितंबर को क्या हुआ, अनिल बिल वापस लेके पेमेंट कर दिया, 3 महीना पहले पेमेंट कर रहे हैं, पैसा आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट, कुछ पैसा कम मिलेगा क्योंकि जल्दी पेमेंट आ रहा है, उसको बोलते हैं रिबेट अकाउंट डेबिट, इसको बोलते हैं बिल का निवर्तन कराना, रिबेट कराना, टू हमारे पास बिल जा रहा है तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल 6000 का जा रहा है, अगर मान के चलो 100 रुपए डिस्काउंट हुआ, रिबेट हुआ 5900 रुपए आएगा, रिबेट हमको निकालना पड़ेगा कितना रुपए है, ठीक है, तो रिबेट निकालने के लिए हम लोगों को बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट, और मैं नरेशन लिखता हूँ बीइंग बिल, ठीक है, पेमेंट ऑफ बिल, पेमेंट मेड ऑफ बिल अंडर रिबेट, ठीक है, कंप्लीट हो गया हमारा, वर्किंग नोट बना देते हैं, वर्किंग नोट कि रिबेट में कितना पैसा आएगा, रिबेट इज इक्वल टू, कितने का बिल था 6000 का बिल है,
कितना परसेंट डिस्काउंट करा 9%। कितना महीना पहले? 3 महीना पहले, 3/12। ठीक है, 2 जीरो कटा, 1 2 जीरो कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे 3 के टेबल में 3 1 3 4 3 4 12 4 4 4 1 4 अच्छा 2 और 0 20 है ना, 4 5 20 15 15 9 135 135। 135 रुपया मैं 6000 का बिल मेरे पास से गया, 135 रुपए डिस्काउंट काट के मुझे वो 5885 रुपए दे देगा, 5885। ये दोनों को मैं ऐड करूँ तो 6000 रुपए आएगा। सेम इसी का रिवर्स इसके मैंने आना है, जैसे आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 बनाए थे सेम उसी तरह से 16 भी बन रहा है हमारा। ठीक है, अगर मैं ये बता दिया तो ये आप लोगों से बन जाना चाहिए आई थिंक। ठीक है, जैसे मैं शॉर्टकट में आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, 2001 अगस्त, अगर सुनील बेच रहा है अनिल को तो अनिल क्या कर रहा है, सुनील से खरीद रहा है, परचेज कर रहा है। एंट्री क्या करेगा वो, परचेज परचेज अकाउंट डेबिट टू सुनील। ठीक है, अगर सुनील बेच रहा था तो अनिल खरीद रहा था, वो क्या लिखेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुनील, सुनील से मैं 6000 रुपए का सामान परचेज किया। नरेशन भाई, बिंग गुड्स परचेज ऑन कैश सॉरी क्रेडिट, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, फिर क्या लिखेगा, मैं 1 अगस्त को बिल साइन करके दिया, पेमेंट नहीं किया था, बिल साइन करके दे दिया। किसको दिया, सुनील को, तो सुनील को ना पाने वाला, सुनील डेबिट पाने वाला डेबिट हो गया, बिल जा रहा है तो टू बिल्स पेबल अकाउंट, टू बिल्स पेबल अकाउंट 6000 रुपए। फिर ये जो अनिल है वो क्या कर रहा था, पेमेंट कर रहा था, कब, 4 दिसंबर को पेमेंट करने वाला था। ठीक है, पहले बिंग एक्सेप्टेंस गिवन, बिल दिया मतलब स्वीकृति दे दिया। अब 4 दिसंबर को पेमेंट करने वाला था तो 1 सितंबर को ही पेमेंट कर दिया, कौन, अनिल, अनिल पेमेंट कर दिया तो अनिल को फायदा होना चाहिए, अभी तो पेमेंट करेगा वो, अनिल को फायदा होता अभी तो एक्स्ट्रा पेमेंट करेगा ना, मतलब जल्दी पेमेंट करेगा। अगर हमको कोई फायदा नहीं होगा तो हम 3 महीना पहले क्यों पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो बिल पेबल वापस लेगा 6000 का, पेमेंट करेगा तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट कितने का, 6000 का बिल वापस लेगा और पेमेंट कर देगा टू कैश अकाउंट, और जितना पैसा कम करेगा उसको बोलते हैं रिबेट, टू रिबेट अकाउंट। ठीक है, रिबेट 135 रुपए आया था हमारा, नोट में देखो आया 135 रुपीज। ठीक है, 135 रुपीज आया है। ठीक है, तो 135 6000 135 काट के 5885 रुपीज, सॉरी 85 नहीं आएगा, 65 आएगा, 65 यहाँ पे दिया जाएगा, 65 ये हमारा आंसर। नेशनल कैंसिल बी पेमेंट मेड या पेमेंट पेड ऑन ड्यू डेट जो भी लिखे थे, है ना, बिल ऑफ पेमेंट क्या लिखे था, नेशन पेमेंट ऑफ बिल पेड ऐसा, पेमेंट ऑफ बिल पेड ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट नहीं अंडर रिबेट लिखे थे ना, अंडर रिबेट, ड्यू डेट का मतलब डेट लिखी था 4 दिसंबर वो, है ना, तो 4 दिसंबर तो आएगा नहीं हमारा, ठीक, इसलिए ड्यू डेट ना लिखे क्या लिखोगे, अंडर रिबेट, यहाँ पर मैंने वो लिखा अंडर रिबेट। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट आंसर। 1 मार्च 2000 को श्याम ने संजय को 1200 रुपए का माल बेचा, हमको बनाना श्याम की जर्नल एंट्री, बनाना जर्नल ऑफ श्याम, जर्नल ऑफ श्याम के में बनाना है। ठीक है, सन 2001 मार्च, श्याम क्या लिखेगा कि मैं संजय को सेल कर रहा हूं, तो संजय रिसीवर है, पाने वाला है, पाने वाला क्या करते हैं, वो डेबिट करते हैं, संजय डेबिट टू सेल्स अकाउंट, संजय डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार बेच दिए, कितने में बेचे, 1200 रुपए में। ध्यान से देखते हैं ना, स्टोरी टाइप है ये ना, एकदम कहानी की तरह समझना है इसको, 1200 रुपए 1200 रुपए। हम लोग क्या किए, संजय को सेल किए, संजय से 3 महीने का बिल मिला कि भाई मैं आपको 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा, मेरे पास ये पेमेंट नहीं है, तो बिल आ रहा है हमारे पास, संजय बिल देगा। ठीक है, स्टोरी को मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ,
श्याम और संजय, ठीक है। श्याम संजय को सेल, श्याम ने संजय को सेल किया, हम लोग इसकी बुक में बना रहे हैं, तो ये क्या दिख रहा है कि मैं संजय को सेल कर रहा हूँ, बदले में इससे बिल आ गया, ठीक है। बिल आ रहा तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट तो संजय, संजय ने बिल दे दिया, ठीक है, 1200 रुपए का, इसको लिखते हैं बिल मिला तो स्वीकृति मिला, एक्सेप्टेंस मिला ना, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखो क्या दिया हुआ है, 15 अप्रैल को श्याम ने क्या किया बता रहा हूं, 15 अप्रैल को श्याम ने शशि से 2000 का सामान खरीदा, ये 1200 रुपए का भेजा था, 1200 रुपए का बिल मिल गया था। अब श्याम ने क्या किया, शशि जो था शशि से परचेज किया, श्याम के पास सामान आ रहा है, श्याम परचेज कर क्या लिखेगा, मैं परचेज कर रहा हूँ, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू शशि, शशि से परचेज करें, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट 2000 का परचेज करें, ठीक है। पहले वो कितने का बेचे थे, 2000 का बेचे थे, 1200 बेचे थे, अब 2000 का परचेज करें, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ठीक है। अब क्या किए हम लोग, जिसे पूर्ण भुगतान में 2000 का पेमेंट करा था, तो पूर्ण भुगतान में क्या किए, ये जो हमारे पास जो बिल आया था ना 1200 रुपए का, ये बिल को हम लोग ले जाके शशि को दे दिए, 1200 रुपए का बिल दे दिए और 760 रुपए का एक चेक दे दिए, टोटल कितना रुपए होता है, 2000 हुआ क्या नहीं हुआ, टोटल होता है 1960 रुपए, देना कितना था 2000, दे 1960 रुपए, तो 40 रुपए क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। हम लोग शशि को 2000 रुपए देना था, तो 2000 की जगह में क्या दिया हम लोग, 15 अप्रैल के दिन शशि को दे रहे, तो शशि को पाने वाला रिसीवर है, रिसीवर और डेबिट, शशि डेबिट, शशि को 2000 रुपए देना था, शशि को 2000 रुपए देना था, उसके बदले में हम लोग चेक दिए, चेक देते थे करते हैं टू बैंक अकाउंट 760 रुपए, बिल दे रहे हैं टू बिल्स, या फिर ऐसा लिखते थोड़ा सा याद रहेगा तुम लोगों ना, शशि डेबिट 2000, पहले बिल करा लेते, पहले बिल दे रहे ना, 2000 देना था तो पहले बिल दे दिए, बिल रिसीवर जो हमारे पास आया था तो डेबिट, अब जा रहा है तो क्रेडिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, कितना 1200 रुपए, 2000 1200 का बिल दे दी तो कितना बच गया 800 रुपए में चेक दे रहे हैं, चेक देते तो क्या लिखते हैं बैंक अकाउंट, लिखते टू बैंक अकाउंट, 800 बचा है कितना दिए 760 रुपए, तो ऑटोमेटिक तुम्हारे पास माइंड में आ रहा है 40 रुपए अभी भी कम है, तो 40 रुपए को क्या लिखेंगे डिस्काउंट लिखेंगे टू डिस्काउंट अकाउंट, क्योंकि ये नहीं बोला कि बैलेंस एक बच गया है कुछ है करके, ठीक है, टू डिस्काउंट अकाउंट, ठीक। देखो लिखा हुआ है जिसे पूर्ण भुगतान में 760 रुपए का चेक और संजय स्वीकृति का बिल दिए, इसमें पूर्ण भुगतान में फुल सेटलमेंट जो बोले ना, फुल एंड फाइनल पेमेंट इंग्लिश में और हिंदी में पूर्ण भुगतान, वहां से वो पता चलता है कि पूरा पेमेंट हो चुका है, हमारे सामने तो 40 रुपए बच रहा था, तो 40 रुपए क्या मानते हैं डिस्काउंट, अगर वहां पे 40 रुपए नहीं लिखो तो क्या लिखेगा कि 40 रुपए अभी भी बचा हुआ है, लेकिन यहां तो पूरा पेमेंट हो गया, मतलब 40 रुपए किसमें है डिस्काउंट में, बीइंग ठीक है पेमेंट पेड बाय बिल रिसीवेबल एंड चेक, पेड बाय चेक एंड बिल, चेक एंड बिल इन फुल सेटलमेंट, ठीक है। इसके बाद भी आपकी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी आपने पेमेंट कर दिया आप निश्चित रह गए, ठीक है। ये है श्याम, संजय ध्यान देना, और शशि,
फिर से एक बार शॉर्टकट में समझाता हूँ, 1200 का सेल किए, 1200 का बिल आ गया। फिर उसके बाद श्याम से 2000 का परचेज किए, अरे 1200 का बिल ट्रांसफर कर दिए, 1200 और 760 रुपए 40 रुपए डिस्काउंट में पेमेंट हो गया, आप निश्चित हो गए। अब आपके मन में अगर कहानी आप सोचोगे तो क्या होगा, 1200 का बिल तो ये रखा है, संजय साइन किया था बिल को, ये 1200 का बिल इसको देगा, ये तो पेमेंट कर देगा, ऐसे फ्यूचर में होने वाला है। 1 मार्च का बिल है 3 महीने बाद, अप्रैल मई जून, 3 दिन जो तो 4 जून, 4 जून को हमारे पास जो कहानी होने वाला है, सरसी इसको बिल वापस करेगा, इसको पेमेंट करेगा। श्याम के कुशल में इसकी कोई एंट्री नहीं होती, अगर पेमेंट प्यार से हो जाता तो, लेकिन पेमेंट हुआ नहीं। यहाँ देखो क्या लिखा है, भुगतान जब बिल अप्रतिष्ठित हो गया, श्याम ने रकम चुकाई, कितना रुपया दिया नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है, ध्यान देना इंग्लिश में लिखा हुआ है, बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, श्याम पेड इट्स अमाउंट। अब इधर देखो, बिल ऐसा आता संजय से श्याम के पास, श्याम से शशि के पास, अगर पेमेंट हो जाता तो शशि इसको बिल वापस करता, इसको पेमेंट कर देता, ठीक है, लेकिन पेमेंट नहीं हुआ, शशि का तो जो बिल है वो संजय ने पेमेंट नहीं किया, तो शशि श्याम को वापस करेगा, श्याम संजय को वापस करेगा, तो श्याम के में एंट्री होगा, क्यों, क्योंकि इससे श्याम को फर्क पड़ रहा है, अगर संजय तो पेमेंट कर देता तो श्याम की एंट्री करते ही नहीं, लेकिन अगर संजय पेमेंट नहीं कर रहा है तो शशि इसको देगा, ये इसको वापस करेगा कि तू पैसा दे ऐसे करके, ठीक है, तो संजय क्या लिखेगा, श्याम क्या लिखेगा, श्याम की उत्तर बन रहा है, वो लिखेगा कि देने वाला शशि और पाने वाला संजय, रिसीवर कौन है संजय और गिवर कौन है शशि, वो लिखेगा संजय डेबिट टू शशि, बिल अभी शशि के पास है, शशि देगा, संजय को रख लेगा, कितना 1200 रुपए, क्योंकि 1200 का बिल था, 2000 का नहीं था ना, बिंग बिल डिसऑनर्ड, ये होता है डिसऑनर्ड की एंट्री, जिसके पास बिल होता है उससे बिल आता है और जो बिल साइन के रहता है उसको वापस कर देते हैं, ठीक है, अगर बिल हमारे पास ही रहता और डिसऑनर्ड हो जाता तो क्या लेते हैं, हमारे पास बिल जा रहा है पाने वाला संजय, संजय अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवर लिखते हैं, पर बिल तो शशि के पास था तो बिल इधर आया, अरे चला गया, बिल आया भी है और चला भी है, इसलिए इसमें बिल का नाम नहीं लिखे हैं, क्योंकि बिल आ रहा है तो डेबिट करते, जा रहा है तो क्रेडिट करते, तो बराबर हो जाता, इसलिए शॉर्टकट में एक एंट्री, देने वाला शशि पाने वाला संजय, संजय अकाउंट डेबिट टू शशि अकाउंट, ये हो गया कंप्लीट आंसर।